तो ये है आईवीआर लैब का एटॉम ग्रीन सन गॉगल्स। हे गाइस, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल सीन कुछ ऐसा हो गया है कि यूपी में जो लॉकडाउन है वो बढ़ के हो गया है 10 मई तक, यानी कि मंडे तक। एंड पिछले दो वीक से जो लॉकडाउन चल रहा था यूपी में वो था वीकेंड लॉकडाउन, दैट इज़ सैटरडे एंड संडे। बट लास्ट वीक में सैटरडे संडे को बढ़ा के सैटरडे संडे मंडे कर दिया गया था। बट लास्ट सैटरडे फिर एक न्यूज़ आता है कि लॉकडाउन को जो था वो बढ़ा के थर्सडे तक कर दिया गया, यानी कि कल तक। आज है वेडनेसडे, इसको बढ़ा के कल तक कर दिया गया था। बट सडन आज फिर सुबह एक न्यूज़ आती है कि यूपी गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि लॉकडाउन को थर्सडे से बढ़ा के मंडे यानी 10 मई की सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। एंड मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप बाहर बिल्कुल ना निकले। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी काम है, तभी आप बाहर निकलें। अननेसेसरी का आप बाहर बिल्कुल ना निकले। अगर आप निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहन के निकले, बिकॉज सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम खुद को सेफ रखेंगे तो अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकते हैं एंड खुद को भी सेफ रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4 बज रहे हैं एंड मेरी 4:30 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग है, वो मुझे अटेंड करना है। एंड पिछले सैटरडे मेरे को 2 कोरियर डिलीवर हुए थे, एक कोरियर आया था मुंबई से एंड एक कोरियर आया था कोलकाता से, जो कि यहीं पे रखा हुआ है। ये दोनों कोरियर यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड ये जो मेरा है, ये सैडल बैग है, ये भी काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको आज क्लीन करके पैक कर दिया है, इसको पैक करके रखने के लिए। एंड फिलहाल अभी मेरे पास आधे घंटे टाइम है, तो मैंने सोचा है कि आधे घंटे मैं क्या करूँगा। तो मैंने क्या किया है कि लास्ट जनवरी, आई थिंक जनवरी में मैंने वीकेंड राइड किया था, तो उसके बाद से मेरे जितने भी राइडिंग गियर्स थे वो मैं ऐसे ही रख दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो गए हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए मैंने निकाल के रखा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा मैंने इसका प्रोटेक्शन है वो निकाल के रखा है। यहाँ पे उसके लाइनर्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, जैकेट हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं एंड पैडिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो गई है, तो इसको भी मुझे क्लीन करना है। एंड फिलहाल अभी इसको डालते हैं क्लीनिंग में एंड हाफ एन आवर के बाद मेरा मीटिंग है, उसको अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद जो ये दोनों बॉक्स आए हैं इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने ऑनलाइन क्या ऑर्डर किया था। इट इज़ नॉट ऑनलाइन, मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर के नहीं किया था, एक प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और एक प्रोडक्ट मैंने कोलकाता से डायरेक्ट शॉप से ऑर्डर किया था। तो फिलहाल ये काम कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं और अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो फिलहाल अभी हमारा जो ऑनलाइन मीटिंग है वो स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन मीटिंग ये चल रही है। एंड मैंने जितने भी राइडिंग गियर्स थे मैंने वो डाल दिए हैं वॉश होने के लिए एंड ये मीटिंग मैं कंप्लीट करता हूँ एंड उसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद फिर हम आते हैं एंड फिर बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो अभी बज गए रात के 11 ऑलमोस्ट, अगर आप टाइम देखोगे तो 11 बज के 10 मिनट हो गए हैं। एंड मेरी जो मीटिंग थी वो थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुई थी एंड मीटिंग फिनिश करने के बाद जो भी मैंने राइडिंग गियर्स वॉश करने के लिए डाले थे उन सबको मैंने क्लीन किया एंड क्लीन करने के बाद मैंने अभी उसको ड्राई होने के लिए यहाँ पे हैंग कर दिया है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा मेरा ट्राउज़र एंड ये रहा मेरा जैकेट, इसको मैंने यहाँ पे ड्राई होने के लिए हैंग करके छोड़ा हुआ है। एंड ये सारा काम फिनिश करते करते मुझे बज गए थे रात के 8। उसके बाद मैंने शावर लिया, शावर लेने के बाद मैंने अपना डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं मॉम डैड के साथ बैठा था, कुछ बातें कर रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले मेरी एल्डर सिस्टर का कॉल आया था कि मेरी जो नेप्यू है, मतलब मेरी जो भांजी है, उसका कोविड रिपोर्ट जो आया है वो आया है पॉजिटिव। बट कल फिर से उसका टेस्ट किया गया तो उसमें जो उसके सिम्टम्स आए हैं वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आए हैं, तो डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है उसको होम आइसोलेशन ही रिकमेंड किया है, तो वो अभी 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन है। एंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं तो प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए एंड डिस्टेंस का पालन करिए, बट अननेसेसरी किसी भी बेवजह काम के लिए या घूमने फिरने के लिए बाहर ना जाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड फिलहाल अभी बात करते हैं उन दोनों बॉक्स की, तो उन दोनों बॉक्स में से मैं अभी एक बॉक्स को अनबॉक्स करूँगा एंड सेकेंड वाला जो बॉक्स है उसको मैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में अनबॉक्स करूँगा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा सेकेंड वाला जो बॉक्स है जो मैंने कोलकाता से ऑर्डर किया था उस बॉक्स में क्या है। तो उसमें है कैनन का एक लेंस एंड फिलहाल मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मैं अपने गोप्रो से कर रहा हूँ एंड मेरे पास ऑलरेडी एक कैनन का DSLR है, तो मैंने उसके लिए एक लेंस ऑर्डर किया था। बट वो लेंस कौन सा मैंने ऑर्डर किया था वो लेंस आपको मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में ही पता चलेगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं जो सेकेंड वाला बॉक्स है जो मैंने मुंबई से ऑर्डर किया था
वो वाले बॉक्स को मैं अनबॉक्स करूँगा। तो उसमें क्या है पहले मैं वो आपको बताता हूँ। तो ये वाला जो बॉक्स है ये है आईवीआर लैब का एक बॉक्स जिसमें दो सन गॉगल्स हैं। अब ये दो सन गॉगल्स कौन से हैं ये अभी मैं अनबॉक्स करूँगा तो आपको पता चलेगा। बट मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था मेरे फेसबुक पेज पे एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज पे कि एक ऐड रिफ्लेक्ट हो रहा था आईवीआर लैब की तरफ से कि 73% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो मैंने उनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर किया, उनकी वेबसाइट को मैंने देखा तो उसमें ये था कि अगर आप उसमें एक सन गॉगल्स पसंद करते हैं एंड सेकेंड वाला सन गॉगल्स को ऐड करते हैं तो सेकेंड सन गॉगल्स का जो प्राइस आएगा वो 73% डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मुझे तो एक ही पसंद आ रहा था, तो मेरे ऑफिस में मेरे एक कोलीग हैं उनको भी एक सन गॉगल्स चाहिए थी, तो उन्होंने भी मेरे साथ बैठ के उस वेबसाइट को चेक किया एंड उनको एक सन गॉगल्स पसंद आया। तो हम दोनों ने क्या किया कि हम दोनों ने कंबाइन शेयर करके उसको ऑर्डर किया है एंड उसकी जो कॉस्टिंग मुझे आई वो मैं आके आपको वीडियो में बताता हूँ। तो पहले चलते हैं उस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं एंड अनबॉक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं कि मैंने कौन सा सन गॉगल्स चूज़ किया था एंड मेरे ऑफिस के जो कुलीग हैं उन्होंने कौन सा सन गॉगल्स चूज़ किया था। तो ये है वो आईवीआर लैब का बॉक्स जिसको हम अनबॉक्स करेंगे एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस मैंशन है 2109 रुपीज़। अगर यही दो सन गॉगल्स में अगर सिंगल ऑर्डर करता तो मुझे पे करने होते 3000 रुपीज़, बट यहाँ पर मेरे 900 रुपीज़ सेव हो गए हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो दोनों सन गॉगल्स मैंने ऑर्डर किए हैं वो दोनों के मॉडल नेम यहाँ पे मेंशन है। वन एक है विलकॉक्स ब्लैक एंड सेकंड वन है एटॉम ग्रीन। तो इसको अभी ओपन करते हैं देन हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर में क्या है। यहाँ पे आईवीआर लैब की ब्रांडिंग दी गई है एंड ये उनका वेबसाइट ivrlab.com, आप जाके इनके वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसमें है एक कार्ड, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो आईवीआर लैब की तरफ से एक ये है थैंक यू कार्ड एंड इसके अंदर है दो और बॉक्स। तो फ़िलहाल इन लोगों ने इस पे मॉडल नेम लिखा हुआ है। तो ये जो वाला जो मॉडल है ये है विलकॉक्स ब्लैक, ये मेरे ऑफिस के जो कोलीग हैं उन्होंने ऑर्डर किया था। एंड सेकेंड वन है ये एटॉम ग्रीन, ये वाला मैंने पसंद किया था। तो पहले कौन सा खोलते हैं, पहले इसको ही खोलते हैं जिसको मैंने पसंद किया था। एंड अभी जो बैकग्राउंड में जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है प्लीज़ आप उसको अवॉइड करिएगा क्योंकि मेरा जो घर है और मेरे घर के जो ठीक सामने NH-31 हाईवे है तो रात में हमेशा बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो पास होती रहती हैं तो उनके साउंड आते रहते हैं। तो ये है बॉक्स, केस काफ़ी ज़्यादा स्टडी है और लुक भी काफ़ी अच्छा है। जो डिज़ाइन इन्होंने इस पे बनाया हुआ है वो डायमंड शेप डिज़ाइन बनाया हुआ है, काफ़ी प्रीमियम बैग लग रहा है ये। एंड ओपन करते हैं इसको तो इस पे इन्होंने एक क्लॉथिंग दी गई है जिससे आप अपने सन गॉगल्स को क्लीन कर सकते हैं एंड ये है वो सन गॉगल। ये है वो सन गॉगल्स एंड मैंने ग्रीन कलर ऑर्डर किया था एंड ये पोलराइज है। तो अगर आप दिन के टाइम पे अगर आप काफ़ी ज़्यादा धूप अगर रहती है अगर उसमें भी आप इसको यूज़ करेंगे तो इसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये रेज़ को जो सन रेज़ आते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो इसके फ्रेम है ये फाइबर फ्रेम है बट काफ़ी प्रीमियम लुक फ्रेम है इसका। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं एंड सेकेंड वाला बॉक्स ओपन करते हैं। इसका भी बॉक्स जो है वो सेम ही है, सेम बॉक्स ब्लैक कलर का। इसमें जो है वो है, इसमें भी एक क्लॉथ है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, इस पर भी आईवीआर लैब की नेम मेंशन है। एंड ये जो है ये इसका जो शेप है वो है राउंड शेप
उनको राउंड शेप पसंद आया था तो उन्होंने इसको ऑर्डर किया था। एंड ये वाला भी गॉगल्स जो है वो भी पॉलराइज है, तो उन्होंने ये ऑर्डर किया था राउंड शेप में। तो फ़िलहाल अभी तो मैंने उनको बता दिया है कि शिपमेंट आ गया है एंड बट वो जो लॉकडाउन है उसकी वजह से आ नहीं पा रहे हैं, तो जब भी उनको टाइम मिलेगा वो आएंगे और इसको रिसीव करके लेके जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी इस सन गॉगल्स को मैं पहनता हूँ और पहन के दिखाता हूँ कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है। तो ये है आईवीआर लैब का एटॉम ग्रीन सन गॉगल्स, एंड मैंने जो इसका साइज़ ऑर्डर किया था वो ऑर्डर किया था मीडियम, बट मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये साइज़ मुझ पे परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, बट इसका साइज़ जो आया बिल्कुल परफेक्ट आया एंड मुझे यहाँ नोज़ पे कोई प्रेशर भी नहीं आ रहा है। एंड ये पॉलराइज है तो अभी मैंने जब इसको पहना है तो मेरे रूम की जो लाइटिंग है जो मुझे दिख रहा है वो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, चेंजेस हो गए हैं लाइट में। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा एंड साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इस सन गॉगल्स का जो बाय लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो 72% डिस्काउंट का जो ऑफ़र चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। तो आप जाइए इस ऑफ़र को इनकैश करिए। एंड वंस अगेन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बाहर ना निकलें, सेफ़ रहिए, क्योंकि इस वक्त कोविड का जो सिचुएशन है बहुत ही वर्स्ट है इंडिया में, स्टेट में एंड आपकी सिटी में, क्योंकि जान है तो जहान है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।